में से आप लोगों का जो है वो आएगा, आपका असाइनमेंट मैं बनाऊंगी इन दो लेक्चर में से, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग लेक्चर 2 एंड देन लेक्चर 3, मैं ये दोनों अपलोड कर चुकी हूँ आपके, ठीक है? तो आपका इसी में से असाइनमेंट बनेगा जो आप लोग मुझे संडे नाइट तक सबमिट करेंगे, ठीक है? टाइम ड्यूरेशन इसलिए कम दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसको एटलीस्ट रीड कर सकें। तो बहुत ईजी है, वही टॉपिक्स हैं यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से हम लोगों ने क्या क्या वो जो है अपने एक प्रोसेस मॉडल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कि हम लोग क्या चीज़ स्टार्ट में डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ हम लोग एंड में डिफाइन करते हैं, देन हम लोगों की किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो ये चीज़ें इसमें पूरे भी लेक्चर में डिस्कस की गई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ये बात की जाएगी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं या रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग अगर किसी ऑफिशियली यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करें या अपने उनको प्रोजेक्ट बनाकर दे रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हम लोग एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग उसका यानी कि जो भी एक सिस्टम की एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग कम्प्लीटली फुलफिल कर सकें। उसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि एक और कस्टमर है या एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या इनपुट देगा, क्या उसको आउटपुट जनरेट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में बकायदा तौर पे लिखते हैं, ठीक है? हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो इसमें ये बात की जा रही है आगे अगर हम लोग मूव करें अजाइल मेथड एंड रिक्वायरमेंट्स, तो आप लोगों ने ये चीज़ पहले ही देखी होगी, अजाइल मेथड जो है वो कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है किसी भी मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है? तो वो एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। अजाइल मेथड की अपनी एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जो है डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, डायरेक्ट अपना उस पर करते हैं कि आप डायरेक्ट बिल्डिंग पे काम कर लेते हैं कि हम लोग अपने मेथड को अप वो करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बिना ही सॉल्व कर लेते हैं कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। देन सेकंड पॉइंट कह रहे थे डॉक्यूमेंट इज देयरफॉर ऑलवेज आउट ऑफ डेट, यानी कि वो तो इसको डिस्कार्ड ही कर रहा है। मेथड सच एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट एज यूजर स्टोरीज, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आपने देखा था कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि वो यूजर्स की उससे पहले स्टोरीज लेता है, देन उसमें से अपनी वो प्रोग्रामिंग को निकाल रहा होता है, अपनी स्टोरीज से वो अपना इनपुट ले रहा होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट को किस तरह से बिल्ड करना है। तो उसी को कह रहा है कि यही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो ये वाले मेथड्स को यूज़ करते हैं हम लोग जो है अपना यानी कि एजाइल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, हमारे पास एजाइल की जो है वो एक सब टाइप है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर ये बात करें कि अजाइल तो हमें मना करे कि हमारे पास इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की, जब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या कह रहे हैं तो जो हम यूजर से स्टोरी सुनते हैं, यहाँ दो बंदे एक ये कह रहे हैं कि एक यूज़र है और एक डेवलपर है, तो उस यूज़र कह रही हूँ कस्टमर है और डिवेलपर है, तो कस्टमर जो जो बात बताता जाएगा तो डिवेलपर उसको ऐसा उनमें से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कह लें, उसमें से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स कह लें कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा होता है, ठीक है? आगे मूव करें हम, ये हमारे पास यूजर की रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स हैं कि किस जगह पे हमारा जो है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर सिस्टम कस्टमर है तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये उसकी बात करेंगे। सिस्टम वो जो कस्टमर है वो उसको कुछ इंफॉर्मेशन देगा एंड देन उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन वो आउटपुट रिक्वायर करेगा कि मेरा मॉडल ऐसा होना चाहिए, ठीक है? मैनेजर जो है उसकी पूरे जो हमारे पास है मॉडल है उसकी पूरी उसको पूरा प्लान करता है कि किस तरह से बिल्ड किया जाएगा, क्या इसके डेवलपमेंट प्रोसेस होंगे समथिंग, ठीक है? सिस्टम इंजीनियर जो उस सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, पूरा सिस्टम जो है ना उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसकी देखेगा कि वो किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, ठीक है? एंड देन सिस्टम टेस्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि उसकी टेस्टिंग करेगा बार बार कि किस टेस्टिंग करके देखेगा कि जो हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहीं थी क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, क्या उसकी वही वैलिडेशन हो रही है, उसकी वही टेस्टिंग हो रही है कि हम लोग अगर एक इनपुट दे रहे हैं तो उसका क्या वही आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो क्या वो उसके ऊपर वो अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर क्या होगा, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हमारे पास अंदर जो भी हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो जो वो इंजीनियर होगा तो वो उसकी इन चीज़ों की मेंटेनेंस के ऊपर अपनी वो कर रहा होगा, रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहा होगा कि क्या हम लोगों के ये जो रिक्वायर्ड थी तो वो फुलफिल हो रही है, अगर मजीद रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया तो क्या हम लोग उसके अंदर उस मजीद रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या हम लोग उसके अंदर मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है? आगे मूव करें हम लोग, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिएबिलिटी, इसमें ये बात की जा रही है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो
वेरिएबल होते हैं, यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, उसमें हम लोग जैसे उसके सिस्टम के अंदर चेंजिंग हो रही है तो उसके अंदर जो हमारे पास सिस्टम है उसकी बेस पे हमारा काम कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी टाइप ऑफ सिस्टम होगा, जो भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात कर लें कि हम लोग वही वाली बात है कि अगर हम लोग अपना सिस्टम बना रहे हैं उसके ऊपर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, या हम लोग DSU का अपना LMS देख लें या वो भी जो भी देख लें, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से चेंज होंगी। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी एक रिक्वायरमेंट जो है वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती है। जैसा हमारा प्रोजेक्ट होगा, जैसी उसके अंदर मॉडिफिकेशन होंगी, उसके ऊपर डिपेंड करती होती है, ठीक है। तो कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो IEEE स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे, तो कुछ हमारे पास बकायदा तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कह लें, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन पैटर्न जो है वो IEEE पहले से मेंटेन करके रखा था। उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं वो यहाँ पे उसका एक तरह से डिफाइन किया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आप लोगों को मैं एक आसान वर्डिंग में बताऊँ, जो यहाँ पे ये सारी बातें की जा रही है ना, ये वाली, ये सारी आप लोग खुद रीड करेंगे, मैं आप लोगों से एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। जैसे आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको कर भी रहे होंगे, ऐसे ही है। तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो इसके बेस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की होगी, जो कर रहे हैं वो कर भी रहे होंगे, क्या आप लोग उसका पहले एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करने के बाद आप उसकी बाकी चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे, उसकी बता रहे होंगे, उसका प्रीफिक्स बता रहे होंगे, आप उसका इंडेक्स बता रहे होंगे, आप उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर रहे होंगे, क्लियर है ये बात। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या होती है कि आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें कुछ चैप्टर्स आप लोग डिफाइन करते हैं। आगे भी आप लोग देखेंगे हमारे पास प्रोसेस मॉडल कौन सा यूज करें, आप उसका भी एक चैप्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसका आर्किटेक्चर कैसा बना है, उसमें आप लोगों ने क्या क्या अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया, उसमें आप लोग फ्लो चार्ट वगैरह डिस्क्राइब करेंगे, उसमें आप लोग अपना बताएंगे कि हमारा ऐसे सिस्टम वर्कआउट करेगा, उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहला रही होती है, डॉक्यूमेंटेशन कहला रही होती है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको खुद ही रीड करेंगे कि आप लोग इसकी डेप्थ में जाके कि आपका, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन यानी कि एक एग्जांपल बता दी यहाँ पर कि किस बेस पे कर होता है। एंड देन आगे मूव करते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ये क्या चीज होती है, जो भी हमारी जो सिस्टम की या यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम लोग जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिस बेस की भी होंगी वो हम लोग क्या होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बात की जा रही है कि जो भी हमारे पास यूजर की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमारे जो एंड यूजर है वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यानी कि एक जो है, फॉर एग्जांपल इस वक्त हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ने में आप लोगों के लिए एक बनाया LMS कह लें, ठीक है, उसके एंड यूजर आप लोग हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसके यूजर्स वो कौन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन उसके यूजर्स कह लें या उसके कस्टमर्स कह लें, यानी कि DSU, एंड देन आप लोग उसके एंड यूजर हैं। तो जो LMS बना है वो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इसी तरह से जो आप लोगों का वो था एनवायरमेंट सिस्टम, वो भी हमारे लिए भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें डिफाइन की जानी चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसको स्पेसिफिक किया जाए, ठीक है। आगे मूव करें, वेज ऑफ राइटिंग अ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे उसकी बातें की जा रही है कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज हमारे पास होनी चाहिए कि हम लोग जो है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे हम लोग मोस्टली उर्दू बात करते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में वो नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो वो हमारे पास होना चाहिए। स्ट्रक्चर लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज ये बात की जा रही है कि जिस तरह से हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के, अपने प्रोजेक्ट को समझाने के लिए कि हमारा इस तरह से इनको ऐसा ही हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, तो वो वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जब हम लोग उसकी डिजाइनिंग कर रहे हों उसकी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए। ग्राफिकल नोटेशन, ग्राफिकल नोटेशन हमारी आपने देखी होंगे कि हम लोग जैसे फ्लो चार्ट बना रहे हैं, UML डायग्राम्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो एंड देन मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स मैथमेटिकल, अगर हम लोगों ने कोई मैथमेटिकल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कुछ थीसिस या कुछ इस तरह से लिखे हैं अपने, तो उसमें हमारे पास मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस भी यूज हो रही हैं कि हम लोग उसमें सम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग सम के अलावा और भी उसको सिंबल यूज़ किए जाते हैं इस तरह से, ठीक है।
सम हो गया, इंफिनिटी हो गया, ये सब चीजें क्या हैं, किस तरह की हैं, उसको भी डिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लैंग्वेजेज हैं जो हम लोग हर चीज को जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन। रिक्वायरमेंट्स का डिजाइन के साथ क्या रिलेशन है, ये वो बात की जा रही है कि इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड द डिजाइन शुड डिस्क्राइब हाउ इट डज दिस। यानी कि वही बात है कि रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन की वो है एक तरह से रिलेशन बताया जाए कि जो भी सिस्टम हमारा डिजाइनिंग में यानी कि काम करेगा कि उसकी क्या वर्किंग होनी चाहिए, वो कैसे वर्क करेगा, तो ये उसके ऊपर बात की जा रही है कि वो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें। ऑब्वियसली बात है, ये वही बात है स्टूडेंट्स की, अगर हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर जो कर रहे हैं वो हम हर फेज पे रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, इन द सेंस ऑफ दिस के हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, इस पर हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, देन हमें उसकी क्या, हमें डिजाइनिंग क्या होगी, उसकी हम लोग वैलिडेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं पहले से, ठीक है। तो डिजाइनिंग में क्या चीज़ आ रही है कि हम लोग अपने सिस्टम को ये इनपुट जनरेट करें देंगे तो उसके बरक्स ये वाला हमारे पास आउटपुट जनरेट होना चाहिए। अगर हम लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे पास सम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें दो वैल्यूज इनपुट देंगे देन वो उसको सम करके आउटपुट जनरेट करेगा, तो उसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। तो जो मैं वर्डिंग इस वक्त बोल रही हूँ कि दो इनपुट देनी है वैल्यूज एंड देन वो उसको जनरेट करेगा, उसका आउटपुट जो कि सम होगा, ये हमारे पास क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको मैंने डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ कि मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए, तो ये उसके ऊपर ये बात की जा रही है, ठीक है। आगे मूव करें हम नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। नेचुरल लैंग्वेज आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग जो है अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको नेचुरल लैंग्वेज में हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यानी कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, चाहे वो हम लोग अपनी नेचुरल लैंग्वेज, जैसे मोस्टली हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश है, डायग्राम्स को यूज करें, टेबल्स को यूज करें, वट एवर वी नीड फॉर डिस्क्राइबिंग दी वर्डिंग इजीली, यानी कि हम लोग अपनी किसी भी प्रोसेस को इजीली डिस्क्राइब कर सके, तो उसके लिए हम लोग जितना इजी वर्डिंग कह लें, नेचुरल लैंग्वेज कह लें, यूज कर सकते हैं, वो हमें यूज करनी है जो हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है। इन्वेंट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड यूज इट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट, यानी कि आप जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करें एंड देन उसको यूज करें, ठीक है। यूज लैंग्वेजेस इन अ कंसिस्टेंट वे, यूज शैल बी शेल्फ और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट शुड फॉर डिस्क्राइबल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं आप सिर्फ उनको खास तौर पे डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल आपका जो एक मेन पर्पस है, आप इधर उधर की बातें करने के बजाय मेन पर्पस को डिस्क्राइब करें, ठीक है। या भाई वही बात की जा रही है कि आइडेंटिफाई दी की पॉइंट्स आप करें, अवॉइड द यूज ऑफ कंप्यूटर जार्गन। कंप्यूटर जार्गन क्या है कि कुछ ऐसी वर्डिंग जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, ठीक है, उसको यूज नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, समझ में आ गई। और आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि हमें रिक्वायरमेंट की, इस रिक्वायरमेंट की क्यों नेसेसरी है, ठीक है। इतनी जल्दी क्यों फिनिश हो रहा है लेक्चर, 10 मिनट रहते, चलो बेटा ठीक है, तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा वो वहां तक है, एंड देन आप लोगों का ये असाइनमेंट, ठीक है। ओ ठीक है, सुबह सुबह क्लास लेके इधर क्यों आ जाता है, मेरी भी नींद खराब कर देता है। क्लियर है ये बात, ठीक है बच्चों। अभी 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में जितना हो गया लेक्चर, बाकी आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूंगी। एक तो वैसे मेरा असाइनमेंट आपको क्वेश्चन बता भी चुकी हूँ, यहाँ पे आप कुछ बता रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या है नेचुरल लैंग्वेज में, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंडेबल फॉर दी डेवलपर, ठीक है। कि हम लोग कस्टमर बता तो रहा है अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कि उसे ये रिक्वायर्ड है, लेकिन डेवलपर के लिए अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन उसको राइट करना डिफिकल्ट हो रहा है। देन रिक्वायरमेंट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट की, यहाँ पे तो कह रहे हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स टेंड टू बी मिक्स्ड अप, यानी कि जो कुछ हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिक्स हो रही है, और कन्फ्यूजन इन द सेंस ऑफ दिस भी के अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो रही है कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स लेना चाह रहे हैं, एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
उसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें मिक्स अप हो रही है कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, किस तरह से ऐड करना चाहिए, ये चीजें हमारे पास वो हो रही होती है, डिफिकल्टी हो रही होती है. रिक्वायरमेंट्स अमलगमेशन, ये क्या कह रहे हैं, सेवरल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मे बी एक्सप्रेस टूगेदर. यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि एक पार्ट में क्या काम होना चाहिए, दूसरे में क्या काम होना चाहिए, तो कस्टमर क्या करते हैं कि उसको मिला के एक साथ बता देते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग अगर अपने LMS की एग्जाम्पल लें तो हम लोगों ने वहाँ पे अटेंडेंस का मार्क अलग किया हुआ है, हमने वहाँ पे अपने असाइनमेंट्स का मार्क अलग किया हुआ है, क्विजेस का अलग किया हुआ है, एंड देन हम लोगों ने अपने बाकी जो अपलोड फाइल्स करनी है उसके अंदर मजीद जो भी एक्टिविटीज ऐड करनी है वो हम लोगों ने सेपरेट डिफाइन की है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ समय में ऐसा होता है कि जो कस्टमर होता है वो सबको कंबाइन बता देता है. ठीक है, ये मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, लेकिन उसको सेपरेट करना डेवलपर्स के लिए डिफिकल्टी होती है कि वो उसको वो करे, सेपरेट करे. ठीक है, यहाँ पे एक आप लोगों को इंसुलिन की एग्जाम्पल दी गई है. ठीक है, कि एक हम लोग जिस तरह से शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो बस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में यही बात बताई जा रही है कि एक डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की हुई है कि हम लोग जो है उसमें क्या कर रहे हैं कि अपने पेशेंट की इन वो शुगर लेवल को चेक करें, एंड देन हम लोग उसके ऊपर उसकी इंसुलिन देख रहे हैं कि उसको कितने इंसुलिन देने, कितने यूनिट, तो उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया. ठीक है, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन क्या कह रहे हैं हमारे पास, एन अप्रोच टू राइटिंग रिक्वायरमेंट्स वेयर द फ्रीडम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स राइटर इज लिमिटेड एंड रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन अ स्टैंडर्ड वे. यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम और रिक्वायरमेंट्स की, और एक राइटर इज लिमिटेड एंड रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन अ स्टैंडर्ड वे. यानी कि हम लोग जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है एक उसका स्टैंडर्ड वे क्रिएट करें, हम लोग एक उसको ऐसे कर लें, एक फॉर्मेट क्रिएट करें तो उस फॉर्मेट के मुताबिक हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को राइट आउट कर सकें. तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ सिस्टम के लिए हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट्स, अगर हम लोग उसको फॉर्मेट में करते हैं या हम लोग उसको स्टैंडर्ड में भी करते हैं तो कुछ जगहों पे हमारे लिए यूजफुल होती हैं, एंड देन कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, वहाँ पे हमें जो है वो यानी कि फ्रीडम चाहिए, हम अपनी मर्जी से राइट ऑन कर सकें, या कुछ कंडीशन जो भी हमारे पास डिफरेंट जो सिस्टम हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट को डिफरेंट अंदाज में हम लोग अप्लाई करें. ठीक है, फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि हम लोग फॉर्म बेस्ड एक स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, कैसे, नंबर वन वो कह रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन और एंटिटी, यानी कि जो भी हमारे पास है फंक्शन है या एंटिटी उसको हम लोग पहले डिफाइन करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट एंड वेयर दे कम फ्रॉम. यानी कि ये एक फॉर्म के बेस पे बना रहा है कि पहले हम लोग फंक्शंस डिफाइन करेंगे, हमें उसके डिफाइन देन हमें क्या कह रहे हैं कि इनपुट हमारे पास क्या है और वो कहाँ से आएंगे इनपुट. ठीक है, एंड देन कह रहे हैं कि आउटपुट उसके जनरेट हो और वो कहाँ जाएंगे आउटपुट. इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द कंप्यूटेशन एंड अदर एंटिटीज यूज, यानी कि हम लोगों को इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन टू बी टेकन, यानी कि जो भी हमारे पास हम लोग वो है एक्शंस परफॉर्म होंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम अभी एक एग्जांपल ले रहे थे कि हमने दो वैल्यूज इनपुट लेते हैं देन आउटपुट जनरेट हो, तो उसके ऊपर जो भी एक्शंस होंगे वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन हमें जरूरी है. प्री एंड पोस्ट कंडीशन इफ अप्रोप्रिएट, यानी कि प्री पोस्ट कंडीशन हमारे पास वो होती है कंडीशन जिसमें हम लोग पहले से अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि ये हमें इनपुट के तौर पर रिक्वायरमेंट है और ये हमारा फंक्शन ऐसे परफॉर्म करेगा सिस्टम. पोस्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जो एक सिस्टम है वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा. ठीक है, दिस साइड इफेक्ट इफ एनी ऑफ द फंक्शन, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जैसे हम लोग मेडिसिन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम की एग्जांपल ले लें कि कुछ हमारे पास सिस्टम है उसने इंसुलिन लेवल बता दिया, हमने गलती से उसकी इंसुलिन जो है वो कम या ज्यादा कर दी अपनी तरफ से, तो वो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, उसकी किस तरह से कुछ चीज़ों के ऐसे होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं, अगर मेडिकल की तरफ से बात की जाए कुछ इस तरह से, तो उनके साइड इफेक्ट्स को भी हम लोग राइट डाउन करें, उसको भी मेंशन करें. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यही है, एक वो इंसुलिन वाली एग्जाम्पल ही हुई है. ठीक है, उसका फंक्शन डिस्क्राइब किया हुआ है, कंप्लीट इंसुलिन डोज हम लोगों ने यानी कि उसकी वो फंक्शन डिफाइन कर दिया, डिस्क्रिप्शन है हमारे पास कि कंप्लीट डोज ऑफ इंसुलिन टू बी डिलीवर व्हेन द करंट मेजर शुगर लेवल, यानी कि जो भी हमारे पास शुगर लेवल है उसके बीच में हमने कितनी यूनिट डिलीवर करनी है वो बताई जा रही है कि इनपुट में हम लोगों ने अगर ये वैल्यूज हों तो हम लोगों ने करना है, देन आउटपुट है इस तरह से, इसकी पूरी एक
लेवल बताया हुआ, एक डेफिनेशन जो है, जो हम लोग एक नॉर्मली मेडिकली काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है उसकी इंसुलिन, हम लोगों ने उसको इंसुलिन लगाना है, कितने उसकी शुगर लेवल हो तो हमने उस पर लगाना है, तो वहाँ पे ये वाली पूरी एग्जाम्पल डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन आगे मजीद ये उसी का फर्दर चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर दिया, जो अगर हमारे पास रिक्वायर्ड है एक्शन। बेटा मैंने आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई अभी तक, 3 मिनट रह गए। जॉनियन के नीचे कौन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेती जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वही वाली एग्जांपल आगे फर्दर जो मैंने आप लोगों को एक स्टेप पे बता दी, तो उसके आगे ये फर्दर वही वाली चीज है कि हम लोग एक्शन है, फिर रिक्वायरमेंट्स हमारी प्री कंडीशंस क्या होंगी एंड देन पोस्ट कंडीशंस क्या होंगी उसी इंसुलिन के ऊपर, ठीक है। टेबुलर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या, हम लोग इसको टेबुलर यानी कि उसकी टेबल्स की फॉर्म पे यूज टू सप्लीमेंट नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। पर्टिकुलर यूज मेन यू हैव टू डिफाइन अ नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर और डिफरेंट हमारे पास जो एक्शंस हैं अगर उसकी फॉर्म में काम हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास ये टेबुलर स्पेसिफिकेशन एग्जांपल बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे किसकी एग्जांपल आएगी उससे आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आ जाएगी एक बात की किस तरह से वो टेबुलर फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंसुलिन पंप सिस्टम बेस्ड बेसिस इट्स कंप्यूटेशन ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड शुगर लेवल एंड द टेबुलर स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट इंसुलिन रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट सिनेरियोस, यानी कि अगर वो यही बात करें कि शुगर लेवल हमारी ऊपर नीचे हो रही है, उसकी वो डिफरेंट उसकी वो आ रही है रीडिंग में चेंजिंग आ रही है, तो उसके ऊपर हमारे पास जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट कैसे हों, उसको हम लोग किस तरह से इंसुलिन उसको कितनी डोज इंसुलिन देने, तो उसके ऊपर हम लोग लिख रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें एक टेबल फॉर्म बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, कि अगर शुगर लेवल ये हो तो हमारे पास इतनी डोज हो, इस तरह से हम लोग ने इसके डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कि अगर ये लेवल अगर इतनी है तो देन ये है तो ये, ठीक है। इस तरह से फर्दर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हों एक ही कंडीशन को लेकर, तो उसके ऊपर हम लोग टेबुलर स्पेसिफिकेशंस क्रिएट करते हैं, टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चों, ठीक है, आपका टाइम फिनिश होने वाला है, मैंने आप लोगों ने अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लिया है, एंड देन आगे यहाँ से ऑनवर्ड आपने खुद रीड करना है एंड देन आप लोगों का मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है मैम। तो बस फिर आगे एक मैंने इसका पार्ट टू भी अपलोड किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह शाम तक आप लोगों का असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी, तो सैटरडे संडे दो दिन है, दो क्वेश्चन होंगे।